राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि सड़कों से बेसहारा गोवंश को हटाकर गौशालाओं में शिफ्ट करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने पॉलिसी तैयार की है, जिसके तहत गौशाला संचालन समितियों के सहयोग से इस वर्ष इन पशुओं को गौशालाओं में शरण दी जाएगी। सेवा स्वरूप सरकार आर्थिक तौर पर इन संचालन समितियों की मदद करेगी। राज्य मंत्री संदीप सिंह ब्रह्मजून रोड पर कम्युनिटी सेंटर में गौशाला संचालन समितियों में आर्थिक सहायता राशि के चेक वितरित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गौसेवा आयोग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार गौशालाओं को सशक्त बना रहे हैं। गोवंश के रखरखाव के लिए गौसेवा आयोग को मिलने वाले 40 करोड़ रुपए के बजट में बढ़ोतरी करके इसे 400 करोड़ रुपए से अधिक का कर दिया गया है। इसके अलावा 31 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार ने गौशाला आयोग को दी है। श्री कृष्ण कृपा गौशाला समिति की ओर से जगदीश तनेजा ने बताया कि बेसहारा पशुओं को सड़कों से हटाकर शरण देने के लिए सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं को मिलजुल कर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1.5 लाख गौसहारा गौवंश इस समय प्रदेश की सड़कों पर है, जिसमें से 1,20,000 को विभिन्न गौशालाओं में शिफ्ट करने पर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि सरकार की नई नीति के तहत गौशालाओं में 100 गायों पर 7 लाख रुपए सहायता देने का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम में श्री कृष्ण कृपा गौशाला को 11,63,250, ओगढ़ दानी महादेव गौशाला को 93,750, हर हर महादेव रूगन गौशाला को 81,000, दत्त गोरख गौ समिति थाना को 4,48,500 वे गौ सेवा समिति इस्माइलाबाद को 5,19,000 रुपए की राशि के चेक राज्य मंत्री संदीप सिंह द्वारा दिए गए। लगभग 23,05,000 रुपए से अधिक की राशि गौशालाओं तक पहुंचाई गई। इस अवसर पर जगदीश तनेजा, नरेश शर्मा, सोनू गोयल, प्रेमपालपुरी, सुरेंद्र शर्मा, नगरपालिका प्रधान आशीष चक्रबाणी, मंडल प्रधान राकेश पुरोहित, सुरेंद्र ढींगरा, अनिल पराग धवन, गुरप्रीत कम्बोज, तेजेंद्र स्यापोश व अजय कोरियोग्राफर सहित अन्य कई लोग भी मौजूद रहे। की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए थे बजट सेशन के अंदर 400 करोड़ रुपए का बजट जो गौ सेवा आयोग को दिया है, उसके माध्यम से पूरे हरियाणा भर में 90 की 90 विधानसभाओं में, यहाँ पेहवा हल्के के अंदर 5 हैं, और मैं चाहूँगा कि अगली बारी जब बजट आए और जब चेक आए तो 5 से बढ़कर हों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो होती है उसी माध्यम से ही आपकी जो नॉर्म्स जो सरकार ने तय किए हैं, आप सबको पता है, आप लोगों ने तो उस नॉर्म्स को फिलफिल करते हैं तभी आपके ये चेक आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो और भी गाँवों में या शहर के अंदर या एरिया के अंदर इस चीज़ को डेवलप करें, जिससे कि हम और ज़्यादा सेवा कर सकें गौ माता की। और इसमें 400 करोड़ के लगभग का बजट जो 2023 और 2024 का बजट सेशन के बनाया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अब आगे इसको और बढ़ाने की जो प्रयास है वो रहेगा और करेंगे भी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मैं क्योंकि उस दिन हमारी जब बैठक थी तो उसमें दिए, तो मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि हमारे एरिया में सिर्फ 5 हैं, कुछ ऐसी विधानसभाएं भी हैं जिसमें 2-3 भी हैं, कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जिसमें 45-45 भी हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, क्योंकि आप लोग सेवा कर रहे हैं सब लोग, और निस्वार्थ सेवा है ये, जो चेक आए भी हैं ये गौ माता की सेवा के हैं, क्योंकि उनको जो सेवा के जो खर्चा आता है उस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार जो हेल्प कर रही है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको और संख्या को 5 से बढ़कर और ज़्यादा संख्या हो, डबल फिगर में संख्या आए हमारी अगली बारी, तो यही मैं आपको गुजारिश करता हूँ। और आप सबको बधाई देता हूँ कि आप इतने अच्छे लेवल पर इसकी सेवा कर रहे हैं, जिससे कि जो निस्वार्थ सेवा जो है गौ माता की, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और आपकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने ये सहयोग, क्योंकि ये किसी ने सिफारिश नहीं की थी, किसी ने कुछ नहीं, उनके मन के आभार थे कि हम किस प्रकार इसको और आगे बढ़ाएं।